मैं इस फिल्म की एक्चुअली मैं पहले भी हमारा जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी उसके साथ काफ़ी काम कर चुकी हूँ मैं, और इसमें भी मुझे बुलाया, मेरा मान रखा, मैंने भी उसका मान रखा और इसी हिसाब से मैं जुड़ गई इसमें। तो क्या कोई रोल निभा रही है इस फिल्म में? हाँ, इसमें मम्मी का रोल निभा रही हूँ मैं, जो हीरोइन है, मेन हीरोइन लीड का मम्मी का कैरेक्टर निभा रही हूँ। तो कितना बड़ा चैलेंज था, चुनौती था ये रोल निभाना आपके लिए, और क्या फिल्म की कहानी क्या है, फिल्म का बेस क्या है, क्या स्टोरी करना चाहिए फिल्म? हाँ हाँ, मेरे लिए एक्चुअली मम्मी का रोल मैंने आज तक किया नहीं था, लीड हीरोइन, मतलब मैं काफ़ी 11 साल से हूँ फिल्म इंडस्ट्री में और मम्मी का रोल किया नहीं था, फर्स्ट टाइम किया था, लेकिन मेरे लिए बहुत डिफरेंस भी था, पर हमारे जो डायरेक्टर साहब है संदीप सोलंकी, उसने समझा बुझा के मस्त और अच्छे से कर भी लिया मैंने। okay. और अच्छे से हो गया शूट। तो शूटिंग कहाँ हुई इस फिल्म की? हाँ, शूटिंग हुई महाराष्ट्र बुलढाणा में हुई, आदि और आदि भुज में हुई। तो अंधविश्वास को दिखाने की कोशिश की इस फिल्म में, कैसे लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, दिखाने की कोशिश की? नहीं ना, ये एक्चुअली सब लोग बोल रहे हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास नहीं है जरा भी, क्योंकि ये मेरा खुद का भी एक क्या बोलते हैं ना, वो ब्लैक मैजिक करते हैं, ये ब्लैक मैजिक जैसा सब बोल रहे हैं कि है, लेकिन है नहीं, खुद ब्लैक मैजिक हूँ, और मैं खुद भी बहुत बीमार भी पड़ गई थी बीच में, और मुझे भी लगा कि नहीं ये गलत है ये है, पर मेरा खुद का जो बीमार पड़ गए थे, डॉक्टर ने भी ना बोल दिया था मुझे कि आप मतलब अभी कुछ होगा ना, ये है वो है, डॉक्टर बोलते रहता, फिर मुझे भी सैलानी बाबा के ऊपर श्रद्धा थी पूरी, तो बस मैं ठीक हो गई, फिर रिपोर्ट वगैरह करवाया तो भी सैलानी बाबा के श्रद्धा के उसके आशीर्वाद से मैं ठीक हो गई थी। और इस प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट कर रही फ्यूचर में, कोई और प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? अभी तो फिलहाल तो अभी तो नहीं है इसके बाद मेरा, और 3 महीने बाद है 2 हिंदी मूवी का काम चल रहा है मेरा।